हमें जो है वो FDIs को चेक किया या FPIs को चेक किया, यानी कि मल्टी नेशनल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट का या कैपिटल का आउटफ्लो या इनफ्लो चेक किया। अब हम लेबर के मूवमेंट को देखेंगे, यानी कि माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो व्हाट इज़ दिस इंटरनेशनल माइग्रेशन? ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर। ठीक है, अब जो एक होता है इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन, और ये होता है, एक होता है इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये इन दोनों में क्या फर्क होता है? इमिग्रेशन यानी कि अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके सेट हो जाना। ठीक है, तो ऐसे लिख देते ताकि याद रहेगा। ठीक है, दूसरे मुल्क में रहना। ठीक है, और इमिग्रेशन दूसरा मुल्क या अपना मुल्क छोड़कर, ठीक है, हमारे मुल्क में रहना। फर्क क्या है? एक जो है वो सेंडिंग कंट्री के कॉन्सेप्ट से है, दूसरा जो है वो रिसीविंग कंट्री के कॉन्सेप्ट से है। ठीक है, अब पहले तो हम देखेंगे कि माइग्रेशन के होने से इकोनॉमी पे क्या फैक्टर है। ठीक है, तो इसको मैं लेके चल रही हूँ दो चीज़ों के साथ। ठीक है, मैं साथ ही ग्राफ ड्रॉ कर दूंगी ताकि क्लियर रहे, स्पेशली आप लोगों के लिए पेंसिल का इंतजाम किया है आज। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है नॉर्थ की। ठीक है, जिसकी इनकम यहाँ पे मंज्यूम कर रहे हैं कि हाई इनकम है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साउथ की, लेबर मार्केट हो गया तो। ठीक है, साउथ की जिसकी इनकम जो है वो लो है। ठीक है, लो इनकम, ठीक है, हाई इनकम। ठीक है, मूवमेंट जो होगी वो नॉर्थ टू साउथ शो करेगी। अब जिसकी इनकम हाई है, ऐसी बात है, उनका इक्विलिब्रियम जो होगा वो हाई होगा, कि डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो अब इसकी वेज है, वेजेस पर आवर, यहाँ पे वर्कर्स हैं, लेबर आ गया वेजेस। ठीक है, अब ये वेजेस जो हैं ये ज़्यादा हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो ये वेज है नॉर्थ का जो कि ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दी हाई इनकम कर। ठीक है, और ये है वो लेबर जो वो एम्प्लॉय कर रहा था। ठीक है, वेयर एज जब हम नीचे आएंगे तो ठीक है डी एन हो गया आपके पास जो है वो। ठीक है, ये हो गई आपके पास मैंने गलत बोल दिया, साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, प्लस माइग्रेशन यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर है, प्लस थी माइग्रेशन यानी कि जो माइग्रेट होना है वो भी यहाँ पे ही मौजूद है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने शो कर दिए ए से, ये वाला लेबर, ये वाला वेज जो है हो गया साउथ का। ठीक है, और ये वेज, ये लेबर हो गया। ठीक है, दोनों को मैं ए से, यानी कि जो इनिशियल है जिसके ऊपर अभी कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि साउथ में किसी वजह से वेज कम हुई। ठीक है,
ठीक है, डब्ल्यू एन से कम होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 6 थी, ये 5 होगी, ठीक है, उसकी वजह, अब 5 होने की वजह से क्या होगा, इनके पास एक्सेस डिमांड होगी। अब जो डिमांड एक्स्ट्रा हो रही है वो कहाँ से पूरी होगी, वेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो क्या होगा कि अब जो यहाँ पे माइग्रेशन होनी थी वो वाला कर्व जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा इससे थोड़ा सा स्टीपर होगा, मगर इस जितना स्टीपर नहीं होगा, इससे फ्लैटर होगा, ठीक है। यानी कि ये जो सप्लाई कर्व है नॉर्थ का, इससे फ्लैटर होगा, मगर जो इसके अपना सप्लाई कर्व है इससे थोड़ा सा स्टीपर होगा। ये हो गया सप्लाई होगा, ठीक है। इसमें से अब माइग्रेशन निकल गई है, और वो माइग्रेशन कहाँ गई है, इस पॉइंट, ठीक है, जो एक्सेस डिमांड था वो इस माइग्रेशन के आने की वजह से सॉल्व आउट हो गया, ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही थी एक्सेस डिमांड की वो सॉल्व आउट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो वेजेस थी वो थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। अब इस वजह से जो है गेन्स और लॉसेस का जो है गेन है वो मैं आपको करवा देती हूँ। ये हो गया ए, ठीक है, ये जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है ये बन गया बी, ठीक है, अब इधर आ जाए, ये हो गया डी, ठीक है। इसके अलावा इस वाली लाइन को मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँगी एट द सेम प्राइसेस, अगर सेम वेजेस रहती तो माइग्रेशन वालों को क्या फ़ायदा होता और नुकसान होता वो सब, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट हो गया ई, ठीक है, तो अब इनमें कौन सा गेन है कौन सा लूज है देख रहे, ठीक है। तो जो माइग्रेंट्स हैं यानी कि जिन्होंने माइग्रेशन की, माइग्रेंट्स का जो गेन है वो है ई और एफ, ई और एफ जो है उनका गेन है जो माइग्रेशन करके चलेगा, ठीक है, ठीक है। वर्कर्स इन साउथ, ठीक है, यानी कि वर्कर्स जो रह गए साउथ में उन्होंने क्या गेन किया, उन्होंने डी गेन किया, ठीक है। यानी पहले तो वो इस पॉइंट पे थे, अब क्या हुआ कि वो हायर वेजेस पे लेबर कम दे रहे हैं, तो ये उनका गेन है। सर्दन के जो एम्प्लॉयज थे ठीक है लूज कर रहे हैं एरिया डी प्लस ई, ठीक है, यानी कि वो अगर जो साउथ एरिया में रिमेनिंग थे उन्होंने डी को गेन किया है तो उन्होंने एक तरीके से इस डी और ई को लूज भी किया, ठीक है। फिर नेटिव नॉर्दर्न वर्कर्स, नेटिव यानी कि जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, ठीक है, वर्कर्स ने जो है लूज किया है एरिया ए, इस ए को लूज किया, यानी कि यहाँ पे थे हायर वेजेस पे थे मगर अब वो बी पे आ गए, यानी कि ये एरिया उन्होंने लूज कर दिया, ठीक है। जो नॉर्दर्न के एम्प्लॉयर्स बने नए वाले माइग्रेशन के बाद, उनका गेन है ए प्लस बी एरिया का, ठीक है। वेयर एज पूरे वर्ल्ड को कितना फ़ायदा हुआ इस माइग्रेशन से, बी प्लस एफ, यानी कि ये बी वाला ट्रायंगल और ये एफ वाला ट्रायंगल जो है ये पूरी वर्ल्ड को गेन हुआ है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लेके चल रहे हैं इसको आफ्रीकी कुछ चीज़ों पर, यानी कि जैसे मैं माइग्रेशन हो रही है तो उस पर रुकावटें लगाने को लोग लगा भी सकते हैं, ठीक है, उसके नुकसान भी हैं फ़ायदे भी हैं, ठीक है। तो किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है वो देख लेते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट कंट्री, ठीक है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट बाय सेंडिंग कंट्री, ऑन इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मैंने अभी आपको बताया है कि आपने अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाकर सेटल हो गए या मूविंग अब्रॉड, ठीक है।
तो सेंडिंग कंट्री जो है वो अपना लेबर सेंड कर रही होती है, तो क्या इस जो है फ़ायदा है या नुकसान? ठीक, तो फ़ायदा नुकसान में सबसे बड़ी चीज़ तो ये आती है कि जो बच्चा यहाँ पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये वाली बात है ना, लेबर लेबर बनने से पहले स्किल्स उसने डोमेस्टिक कंट्री से लिए, बट पे क्या हो रहा है, स्किल्स उसने डोमेस्टिक कंट्री से ली है, मगर काम करके कमा के टैक्सेस कहाँ दे रहा होगा, कौन से गवर्नमेंट को दे रहा होगा, जिस कंट्री में जाके रहना शुरू कर देगा, यानी कि रिसीविंग कंट्री को। ठीक है, तो आफ्टर इमिग्रेशन जिस टैक्सेस के रेवेन्यू पे, यानी कि जिस इनकम पे अर्न बाय लेबर और टैक्सेस टू गवर्नमेंट विल बी फॉर रिसीविंग कंट्री, सही है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि लोग जो यहाँ से चले जाते हैं, क्या होता है फ्यूचर टैक्स जो होता है ना, जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड होता है, जैसे आजकल देखें हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर्स में बैठे हुए हैं, फिर पीएचडी की तरफ है, हमारा क्या है कि हम लोग जो हैं इसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्किल्स ले रहे हैं, ठीक है, अगर बाद में हमें बाहर से रहने की कहीं ऑफर आए तो क्या होगा, तो बाहर चले जाएंगे, स्किल्स हमने यहाँ के लिए है, पब्लिक गुड्स हमने यहाँ के यूज़ किए, ये चीज़ ये देखो ये चीज़ आया यूज्ड फॉर स्किलिंग इज इन डोमेस्टिक कंट्री, टैक्सेस कहाँ देने चाहिए थे इस पब्लिक गुड के, जब देने की बारी है तमाम कहाँ चले गए, फॉरेन कंट्री। तो ये बहुत सारे नुकसान आते हैं जिसकी बुनियाद पे वुमन बहुत सारी कंट्रीज अपने इमिग्रेशन को रोक भी देती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, रिसीविंग कंट्री रिस्ट्रिक्टिंग इमिग्रेशन, इमिग्रेशन यानी कि उनकी कंट्री में मूव इन करना। ठीक है, गवर्नमेंट के बजट पे क्या इफेक्ट होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव इफेक्ट है, उन्होंने इतना खर्चा नहीं किया मगर टैक्सेस उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, पब्लिक गुड्स है, सब है, ठीक है, तो ऑफकोर्स दे आर रियली गुड, ओके, बेटर ऑफ बट, नहीं बट बहुत गंदी चीज़ है, कहीं भी आ जाते हैं, अगर जो इंडिविजुअल वहाँ पे या जो इमिग्रेंट्स हैं वो फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट कर दें तो, यानी कि पब्लिक गुड्स का इस्तेमाल तो करें मगर टैक्सेस ना दें, तो फ्री राइडर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, यही जो बेटर ऑफ हो रहा था इनके लिए वर्स ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा नॉलेज के बेनिफिट हो सकता है, यानी कि जो बाहर की कंट्री से पढ़ के आए हैं वो अपनी स्किल्स यहाँ आके इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो डोमेस्टिक, यानी कि जो रिसीव कर रहे हैं कंट्री, ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री जो है उन्होंने नो इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन के स्किलमेंट पे या ह्यूमन के कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं, थक भी, ठीक है, मगर टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है और लेबर जो है और उधर लेबर जो उनके पास अब काम कर रहा है वो स्किल्ड है,
मगर उन्होंने तो काम ही नहीं किया ह्यूमन कैपिटल पे। फ़ायदा कहाँ से आ रहा है? इमिग्रेशन का। ठीक, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अब आपको इसके अलावा कोई सवाल आता है तो ज़रूर पूछेंगे। ठीक, थैंक यू।